राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मतगणना जारी है। वहीं बात करें अगर जोधपुर की तो शहर विधायक मनीषा पवार के साथ हमारे जन टीवी संवाददाता ने खास बातचीत की, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनाव 2023 की मतगणना थोड़ी देर में चालू होने वाली है और हमारे साथ में शहर विधायक की जो प्रत्याशी है मनीषा जी पवार है, उनसे बात करते हैं। क्या है इनके मैडम बताइए क्या रहे? देखिए 25 तारीख को सभी का आशीर्वाद पेटियों में बंद है और आज खुलने जा रहा है और पूरा विश्वास है कार्यकर्ताओं का और जनता का कि कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और जोधपुर की सीटें जीत रहे हैं। मैडम आपको क्या लगता है पूरे राजस्थान में कितनी सीटें आ सकती है, कितनी संभावना? देखिए ये तो जनता जनार्दन का विश्वास है लेकिन जो मुख्यमंत्री जी का सपना था कि सरकार बनने जा रही है, हम नो डाउट पूरा पूर्ण बहुमत ला रहे हैं, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। मैम आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री इस बार कौन हो सकते हैं? देखिए ये तो हाईकमान का निर्णय है लेकिन जोधपुरवासी तो यही चाहते हैं और हमारा सपना है कि अशोक गहलोत पुनः मुख्यमंत्री बने। तो ये हमारे साथ ही शहर प्रत्याशी मनीषा पवार, इन्होंने का कहना है कि इस बार बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी। जोधपुर से जन टीवी के लिए मैं जगदीश लोहार कैमरामैन गोपाल के साथ।